हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्निकल मास्टर वी आर इन। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने पीसी में माइनक्राफ्ट को फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो पे आते हैं जिसमें लोगों ने कमेंट किया था कि इसकी सीडी की लिंक नहीं मिलती। दोस्तों, असल में क्या हुआ कि लिंक क्रैश हो चुकी है, इस कारण लिंक आपको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आप किसी भी सेटअप की फ्री में लिंक पा सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर आएगा जिसके बारे में आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइनक्राफ्ट, जो फ़ोन और पीसी दोनों के लिए पेड है, यानी कि पैसों में है। इसके ग्राफिक जो है बहुत लो है, 2009 में ये पहली बार आया था दोस्तों। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके जो हाई ग्राफिक्स आपको दे रहे हैं साथ में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि इसके हाई ग्राफिक्स विद फ्री इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने मतलब पीसी को ओपन करेंगे या फिर अपने फ़ोन को ओपन करेंगे, तो उसमें कुछ नई गेम्स आपको दिखेगी माइनक्राफ्ट की, जो माइनक्राफ्ट ने इस साल लॉन्च करी है, जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि माइनक्राफ्ट ने ये गेम्स हाई ग्राफिक्स डाल के लॉन्च की है। ये ज़्यादा हाई ग्राफिक नहीं है बट बहुत अच्छी है। आप इसके ऑफिशियल पेज पे या फिर प्ले स्टोर पे जाके उन गेम्स को देख सकते हैं। इन गेम्स में माइनक्राफ्ट ने अपने डूंगेरियोस और माइनक्राफ्ट अर्थ लॉन्च की है, जिनमें माइनक्राफ्ट अर्थ जो है वो बिल्कुल पोकेमोन गो जैसी गेम है, कुछ भी अलग नहीं है उस गेम में। आप उसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं बट वो पेड ऐप है। और साथ ही साथ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जो मतलब 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत अच्छी गेम है, जिसको आप फ्री में तो नहीं पर पेड ऐप है, बहुत अच्छी गेम है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस सारी बातों को बगल में रखते हैं। और जैसे कि आपको अगर कोई भी माइनक्राफ्ट से रिलेटेड अपडेट, न्यू अपडेट या फिर कुछ नया जानना है या फिर कोई हेल्प चाहिए, तो माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल पेज पे जाके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। पर आपको बता देगा, अगर आपको अपने माइनक्राफ्ट में पीसी में इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जावा की जरूर पड़ेगी। दोस्तों, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा गेमिंग में यूज़ होता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज़ होता है। जावा को अपने पीसी में ज़रूर इंस्टॉल करें अगर आपको कोई मस्त गेम खेलनी है हाई ग्राफिक्स के साथ। तो जावा इंस्टॉल करने का मैं इसमें बता रहा हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ आपको माइनक्राफ्ट कैसे इंस्टॉल करना है। तो जावा का ऑफिशियल पेज खोल लीजिए java.com पे जाके, या फिर नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप वहाँ से 64-bit के लिए जावा को डाउनलोड कर लीजिए। 32-bit का भी आ चुका है, वहाँ आपको सर्च बार पे जाके 32-bit का लिखेंगे तो आ जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं 32-bit का जावा। तो मेरा तो 64-bit का है, इसलिए मैं 64-bit के जावा को डाउनलोड कर रहा हूँ अपने पीसी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जावा को डाउनलोड कर लिया अपने पीसी में, और फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। दोस्तों, सिंपल है, आपको बस अब उस जो आप जिस जो फोल्डर डाउनलोड हुआ उस पर डबल क्लिक करना है और सब पे एक्सेप्ट और ओके दबा देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, इसके अगर आपको तब भी समझना है तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट जैसे कि मैंने बोला था माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करना कैसे है, तो उसके लिए हम एक लिंक दे रखी है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करिए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप ब्राउज़र पे जाके माइनक्राफ्ट फ्री पीसी डाउनलोड freegamesdl.com पे चले जाए। दोस्तों, जैसे कि मेरा फर्स्ट पे आ गया है .com ही .net, ओके .net लिखना होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पेज ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको कई सारी गेमें मिल जाएगी फ्री में, जैसे कि माइनक्राफ्ट, गॉड ऑफ वॉर एक्सेप्टा एक्सेप्टा। तो दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो माइनक्राफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, मेरा पीसी थोड़ा मतलब स्लो वर्क करता है क्योंकि विंडोज 7 है और साथ ही साथ मेरा जो रैम है बहुत कम है, फ्रेंड्स पर वर्किंग बहुत अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री लो गेम्स फॉर पीसी, वहाँ पे क्लिक करके आपको कोई भी गेम हाईली कंप्रेस में मिल सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है फ्रेंड्स। अब स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे माइनक्राफ्ट आ गया, देखिए अपडेटेड वर्जन। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते हम यहाँ पे आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अब नीचे जाते जाते यहाँ पे आपको लिखा होगा कि ये किस मतलब कि किस रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर को
अपने पीसी में इंस्टॉल करने की, तो सबसे पहले इसमें यह है कि 2 GB का पीसी होना चाहिए, 2 GB रैम होनी चाहिए आपके पीसी में, साथ ही साथ इंटरनल प्रोसेसर थोड़ा सा हाई होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो पीसी होना चाहिए उसमें इंटरनल कोर और जावा इंस्टॉल होना चाहिए पहले से, और हार्ड डिस्क भी होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 में दोनों में चलेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा डाउनलोड। अब यहाँ से आपको एक पासवर्ड मिलेगा, इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपने ये पासवर्ड कॉपी नहीं किया तो आपके पीसी में माइनक्राफ्ट नहीं चलेगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने डायरेक्ट क्लिक पे करके पहले इसको डाउनलोड कर लिया था, अब क्या करना है, सिंपली मैंने जहाँ पे उस फाइल को रखा है माइनक्राफ्ट की उस पे जाता हूँ। जैसे कि मैंने अपना ये मतलब कंप्यूटर ओपन कर लिया है, उसके बाद मैंने अपना गेम फोल्डर ओपन कर लिया है। गेम फोल्डर ओपन करने के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे मेरी कई सारी गेम्स है जो मैंने पिछले टेकन 7 की वीडियो बनाई थी वो भी है, और साथ ही साथ माइनक्राफ्ट का एक जिप है जो इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं। 13 MB का माइनक्राफ्ट है जो ऑनलाइन डाउन करने का है, मैं ऑफलाइन डाउन इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही आप इसको अनजिप करने जाएंगे तो आपको ये पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर लीजिए और इस पर ओके दबा दीजिए। सिंपली यहाँ पे देखिए कि शुरुआत में गैप ना रहे, नहीं तो आपका ये पासवर्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब सिंपली ओके दबाने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पहले अनजिप कर रखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कट मार देता हूँ इसको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट फोल्डर को यहाँ से, और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे देखिए नीचे ही लिखा हुआ है माइनक्राफ्ट 16.2 इंस्टॉलर, इस पर क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद देखेंगे कि ये मेरा जो माइनक्राफ्ट है ये इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। दोस्तों ये देखिए फाइल जो हो गई है एक्सट्रैक्ट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम फाइल्स में। अब यहाँ से मैं कट मारता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे माइनक्राफ्ट शो करेगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जावा जो मतलब मेरा है वो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका था यहाँ पे जावा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनक्राफ्ट आ चुका है, इंस्टॉल हो रहा है मेरा, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल वर्किंग है। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वर्किंग है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये मतलब इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो गया है। और साथ ही साथ अब मैं इसको आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप इसमें ग्राफिक कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ग्राफिक इसके साथ दिए गए होंगे, आपको कहीं और से डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि माइनक्राफ्ट की गेम ओपन हो चुकी है और आपके सामने माइनक्राफ्ट का इंटरफेस आ चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें रिसोर्स पैक एडिट करके इसको प्ले करना है। मैंने जो था ये गेम पहले इंस्टॉल कर चुका था, इसलिए मुझे एडिट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं, पर आपको बता दें कैसे करना है। आपको सिंपली ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद रिसोर्स पैक पे आना है, और रिसोर्स पैक्स पे जाने के बाद सिंपली आपको क्लिक कर लेना है अपने फेवरेट रिसोर्स पैक में। आप कोई सा भी रिसोर्स पैक ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कहीं और से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे रिसोर्स पैक हाई ग्राफिक के साथ अवेलेबल है। दोस्तों आप कोई सा भी रिसोर्स पैक ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको सिर्फ राइट एरो पे क्लिक करना है और आपका रिसोर्स पैक एडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फ्रेंड्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आप गेम्स मूवीज़ डाउनलोड करते हैं वो GB से भी ज़्यादा की हो सकती है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 64 या फिर 32 GB होते हैं, और लैपटॉप्स में या
कंप्यूटर में या पीसी में आपको टीवी भी देखने को मिलता है, पर क्या आपको पता है टीवी से ऊपर भी कुछ है जो आपके स्किन पे अभी आने वाला है। यहाँ ध्यान से देखिए कि टीवी के बाद पीवी, ईवी, जेडवी, वाईवी यानी कि पेटावाइट, एक्सावाइट, जेटावाइट, ट्यूटावाइट आता है जो आने वाले फ्यूचर में आपके फ़ोन या फिर पीसी में अवेलेबल होंगे। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फैक्टर। दोस्तों अगर ऐसे और फैक्ट जानने हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आप एक और दिलचस्प फैक्ट सुनेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।